दोस्तों रामायण में हनुमान का किरदार अमर कर गए दारा सिंह, लेकिन अंतिम दिनों में ऐसी इच्छा जता दी जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि लोगों की मांग को लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण शुरू हो गया है। लोग बड़े उत्साह के साथ इसे देख रहे हैं। रामायण ने TRP रेटिंग के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। 33 साल पहले बने इस सीरियल के हर कलाकार ने अपना किरदार बखूबी से निभाया है। शो में हनुमान जी का किरदार अभिनेता दारा सिंह ने निभाया था। भले ही अब दारा सिंह हमारे बीच न हो, लेकिन उनका एक किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साल 2012 में दारा सिंह का 83 साल की उम्र में निधन हो गया था। पहलवानी से अपना करियर शुरू करने वाले दारा सिंह ने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर बेहतरीन काम किया। साल 1976 आई फिल्म बजरंगबली में उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया था। इसके बाद वो रामानंद सागर की रामायण में हनुमान बने थे। मरने से पहले दारा सिंह की इच्छा फिर से रामायण देखने की थी। इस बात का खुलासा उसके बेटे बिंदु दारा सिंह ने कहा था। बॉलीवुड लाइव के मुताबिक बिंदु ने बताया कि उसके पिता अपने आखिरी दिनों में रामायण देखना चाहते थे। बिंदु ने बताया कि पिताजी के अंतिम दिनों में मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कई बार पूछने पर उन्होंने कहा कि रामायण लगा दो, मैं इसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। वह इसे बड़े उत्साह के साथ देखा करते थे और एक दिन में 5 एपिसोड देख लिया करते थे। रामायण देखना उसकी आखिरी इच्छा थी दोस्तों। लेकिन बिंदु ने आगे कहा कि पापा ने अपनी एक्टिंग करियर के 3 बार हनुमान का रोल निभाए थे। पहली बार उन्होंने साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगबली में हनुमान का रोल निभाया था। इसके बाद वो रामानंद सागर की रामायण में हनुमान बने और तीसरी बार वो BR चोपड़ा के TV शो महाभारत के हनुमान के रोल में भी नजर आए थे। इसके बाद कई और एक्टर्स ने हनुमान का रोल किया, लेकिन उसके जैसा कोई और नहीं कर पाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा हनुमान का रोल किसने दिया है, आप हमें कमेंट में बताएं। और आप सच में हनुमान जी को लाइक करते हैं और आपको लगता है कि अभी भी यानी कि कलयुग में भी हनुमान जी जिंदा हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का रामायण जैसी फिल्म और स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। चले दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।